उन्होंने कहा कि चिराग कुछ जम्मू की जनता चिराग लेके खोज रही है, आने वाले दिनों में जो चिराग भबक रहा है वो कुछ है। और उन्होंने शायद ये भी कहा कि हम बच्चा हैं, ये हो सकता है शेखपुर हमें कहा। खैर कोई बात नहीं, वो हम पे इतना ध्यान दे रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। प्रभारी मंत्री जिस जिले का प्रभार है उस जिले के सांसद पे भी वो इतना ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस जितनी योजनाएं हैं राज्य सरकार की उस पे भी ध्यान दे दें। यहाँ पे समय समय पर जो राज्य सरकार के कार्यों में जो गतिरोध लगता है उस पे भी वो ध्यान दे दें, ये अपेक्षा मैं उनसे ज़रूर रखता हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी अभी समस्तीपुर के दौरे पर हैं, उन्होंने वहाँ बयान दिया है कि हाजीपुर पे किसी न किसी तरह दावा भाजपा रामविलास का है और उम्मीदवार चिराग पासवान होंगे, जम्मू की जनता को दिलासा हाथ लगेंगे। भाई ये समय बताएगा, अभी जमुई की जनता को मैं निराश नहीं कर सकता हूँ, इस बात को मैंने हमेशा कहा है। पर हाँ, आने वाली परिस्थिति में क्या चीज़ें सामने आती हैं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं अभी उन बातों को तय नहीं कर सकता। यकीनन एक परिस्थिति ऐसी ज़रूर बनती है जहाँ पे हाजीपुर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी और जमुई भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। हम प्रयासरत हैं कि अगर हाजीपुर अगर हमारी माँ जाती तो हमारे लिए राह आसान होती और हम जमुई से ही हम कंटिन्यू हम करना चाहते हैं। पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे हमारी माँ वहाँ पे नहीं जाती हैं या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड अंतिम जो फैसला लेगा वो हमको स्वीकार करना होगा। पर परिस्थिति कोई भी हो, जमुई से जो मेरा रिश्ता पिछले 9 सालों में रहा है वो रिश्ता वैसे ही बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में हम चुनाव लड़ें या हमारे पार्टी से कोई और यहाँ से चुनाव लड़े, हम जिस भूमिका में थे, जैसा हमने कहा कि एक बेटा बनकर आए थे, युवा व्यवस्था में आए थे, बुजुर्ग बनकर ही जाएंगे, वो वैसा ही रहेगा। भले हम औपचारिक तौर पर यहाँ के सांसद की भूमिका में हों नहीं हों, पर जो रिश्ता यहाँ के लोगों के साथ बना है वो रिश्ता वैसे ही कायम रहेगा, वैसे ही हमारा आना जाना लगा रहेगा। पर अभी बहुत हाइपोथेटिकल हैं ये सारी बातें, चुनाव करीब आएगा उसके बाद ही अंतिम फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा। 6 सीट और 1 राज्यसभा सीट का समझौता हुआ है एनडीए से? अभी नहीं हुआ है, चर्चाएं चल रही हैं और कोई भी जानकारी साझा अगर मैं करता हूं तो मैं गठबंधन की मर्यादाओं को तोड़ूंगा। एक बार गठबंधन के भीतर, क्योंकि सिर्फ हमारे साथ ही नहीं और भी कई घटक दल हैं जिनके साथ एनडीए के बीच में समझौता होना है, तो एक बार सबके साथ ये समझौता हो जाए उसके बाद सार्वजनिक आंकड़ों को किया जाए। एक राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा है कि अगर आप यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जिस तरह आप पीएम के हनुमान हैं उसी तरह आपके हनुमान हैं संजय पासवान, तो क्या संजय पासवान जमुई से उम्मीदवार? भाई ये अंतिम फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड ही लेगा। और कोई सवाल? जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर